आज हम लोग टुडे माय टॉपिक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो हम देखते हैं कि इसको सबसे पहले डिस्कवर किसने किया था। इट वाज डिस्कवर्ड बाय ऑर्टर साइटोप्लाज्म। रेटिकुलम outside the cytoplasm। ये cytoplasm के अंदर एक network की तरह फैला होता है और it forms a connection between cytoplasm and nucleus। It form a connection between cytoplasm and nucleus। It forms a connection between cytoplasm and nucleus। ये जो है ये cytoplasm और nucleus के अंदर connection पैदा करते हैं। Function, इसका function क्या है? Function है transport of material। ये material transport करते हैं। और मजीद दो टाइप्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के, एक है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इट इज नॉन ग्रेनुलर ड्यू टू द अटैचमेंट्स ऑफ राइबोसोम्स। ये गैर दरार होते हैं क्योंकि इसके साथ राइबोसोम्स अटैच नहीं होते, यानी नॉन ग्रेनुलर। ये गैर दानेदार होते हैं, इसके ऊपर राइबोसोम्स के दाने नहीं होते, अटैच नहीं होता। दूसरा है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इट इज ग्रेनुलर, इट इज रफ और ग्रेनुलर ड्यू टू द अटैचमेंट्स ऑफ राइबोसोम टू इट्स सरफेस। ये जो है ना ये ग्रेनुलर। सिंथेसिस करते हैं, लिपिड बनाते हैं। और ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इट हेल्प्स प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन, ये प्रोटीन सिंथेसिस करता है, प्रोटीन सिंथेसिस कर।
इसकी स्ट्रक्चर है एंड ये है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये दानेदार होते हैं जिसके ऊपर राइबोसोम्स अटैच होते हैं, इसको कहते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और ये जो गैर दानेदार होते हैं इसको कहते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम।